कलयुग में कैसे समझाएंगे कल की जी। तो ये नींव तो श्री कृष्ण जी ने द्वापर में ही रख दी थी कि कैसे और क्या समझाया जाएगा, क्योंकि भगवान को पता था कि मैं ही आया हूं, मैं ही आऊंगा। श्री कृष्ण ने कहा था जब मुझे ही सब कुछ करना है, तो वो होमवर्क उन्होंने पहले ही दे दिया था। क्या दिया उन्होंने? सबको इंडिकेट किया अर्जुन कि आप सब अर्जुन हो, और आपको युद्ध अपनों से भी करना होगा, आप युद्ध के मैदान में हो। अर्जुन किस किस बातों से हारे, क्या क्या समस्या आई, वो अर्जुन को एक किरदार मानकर सभी को ये संदेश द्वापर में ही दे दिया था कि आपको मैं आपके लिए युद्ध नहीं लड़ूंगा, आप ही लड़ोगे। अपने अंदर के डर, मोह, माया, वो सब खुद ही मारोगे। मैं तो तुम्हारा सारथी रहूंगा, युद्ध तो तुम्हें ही करना होगा। द्वापर में ही उन्होंने कलयुग वाला ज्ञान दे दिया था, और यही सच है। आप सोचते होंगे कि वो हमारा रथ कैसे चलाते हैं, तो और कौन चलाता है रथ? हम तो कठपुतली है ना, सब उन्हीं के तो हाथ में है। ये तो नकली रथ है, असली रथ तो वही चलाते हैं। तो जो अर्जुन को किरदार मानकर उन्होंने कैसे मनोबल टूट रहा, कैसे मनोबल बढ़ाना है, एक बार साक्षात रूप से आए तब अर्जुन को समझाया, तब भी अर्जुन सबको अर्जुन का किरदार समझा के कि सब अर्जुन की तरह ही आप लोग तो समझ जाओ। उसके बाद श्रीमद् भागवत गीता लिख के चले गए कि जो उसे आत्मसात करता रहेगा, समझ लीजिए मैं हूं, साक्षात उसके रथ चलाने के श्रीमद् भागवत गीता के रूप में साक्षात, वैसे तो मैं हुई साकार निराकार दोनों रूप में। तो दोस्तों क्या चाहिए फिर? जो अर्जुन को ज्ञान दिया वो हम सब अर्जुन हैं, समझ लीजिए गीता ही सब कुछ है। मेरा कैसा लगा है वीडियो दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिए ताकि अगला वीडियो बना सकूं आपके लिए। आप लोगों के सहयोग से मेरा चैनल फिर वर्ल्ड में सबसे टॉप सर्च में आ रहा है यूट्यूब में। लाखों लोग, कभी यूट्यूब का मैसेज आया था कि पिछले वीक में 41% व्यूअर बढ़ गए मेरे, जो आप लोग देखने वाले बढ़ गए। थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही बनाए रखिएगा प्रेम, क्योंकि मैं ईश्वर की बातें कर रहा हूँ और आप ईश्वर के चाहने वाले हैं। Oh, no.